श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद दसवां अध्याय। दस प्रकार की सृष्टि का वर्णन। पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा की हुई भगवान की स्तुति को हमने सुना। अब आगे विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया है और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टिकार में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भो स्व ये तीन भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या उससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीन लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह तप जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभो उसका कृपया विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर अर्थात बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनाद और अनंत है, उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर लेते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था, उसी को अव्यक्त मूर्त काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत व्यकृत भेद से 1/10 सृष्टि और भी है, और इसका प्रलयकाल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की पीड़ा से सत्वाद गुणों में विषमता होना ही इसका सत्य रूप है, इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें महान पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती हैं। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तमिस्त्र अंधतामिस्त्र तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली हैं। ये 6 प्रकार की सृष्टियाँ 6 प्रकृति प्राकृत सृष्टियाँ और व्यकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वां प्रधान वैकुंठ
सृष्टि इन छह प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वका, त्वकसार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे अर्थात जड़ से ऊपर की ओर होता है। इस इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती, ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। आठवीं सृष्टि त्रियक योनियों अर्थात पशु पक्षियों की है, वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना या पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियकों में गौ, बकरा, भैंस, कृष्ण, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक का मृग, भेड़ और ऊंट, ये दुसफ दो खोरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरफ और चमरी, ये एक सफ अर्थात एक खुर वाले हैं। अब पांच नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, विलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक अर्थात बगुला, गिद्ध, वटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मोह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुखरूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग व्यकृत सृष्टि है तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देवसर्ग हैं उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत व्यकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि आठ प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनमंत्र आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। 10वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।